नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। बिलोनिया पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। ग्रामीणों की माने तो नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर जब काम चल रहा था तब हाईवे बनाने वाली कंपनी को रोड के किनारे एक नाली का निर्माण भी करना था। इसके साथ ही ग्रामीणों को निकलने के लिए छोटी पुलिया का निर्माण भी इस कंपनी के द्वारा कराया जाना था, जो कि नहीं कराए जाने के चलते बिलोनिया में लोगों के घरों में पानी भर गया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने बिलोनिया के नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर जाम लगा दिया। यह जाम करीब 2 किलोमीटर तक लग गया, जिसके बाद में नगर पालिका के उपाध्यक्ष के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया। हमें तो ही रहना है। आप ही लोग काम कौन करेगा? ये ऑनलाइन भाई करेंगे? आपने उससे बोला? कितने बार दिया? 50 बार। नहीं, काम होगा, बिल्कुल होगा। ये बिल्कुल जायज बात है आप लोगों की। आपने वहाँ तक क्यों बनाया? तक बनाना पुलिया के मारो कैसे नहीं कर पा रहा? बिल्कुल होगा। कौन सी पुलिया? जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचे आज कैंट थाने के आरक्षक राम गोपाल और ड्यूटी डॉक्टर रितेश कांसल के बीच गाली गलौज और यहां तक कि आतापाई की भी नौबत आ जाती अगर लोग बीच बचाव न करते। इस बात की सूचना आरक्षक ने एसआई प्रदीप दीक्षित को भी दी तो वह तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर के साथ उनकी भी कहासुनी हो गई। जैसे ही इस बात की सूचना पास ही में मौजूद सिटी कोतवाली को पहुंची तो तत्काल सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत कराया। हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टर रितेश कांसल पहले भी विवादों में रह चुके हैं। एक बार तो जिला अस्पताल के अंदर ही एक मरीज के साथ आतापाई तक कर चुके हैं। मामला थाने तक पहुंच गया था। आरक्षक के साथ विवाद में डॉक्टर रितेश कांसल ने आरक्षक के ऊपर आरोप लगाया कि वह गुटखा खाए हुए था और नशे की हालत में था, जिस वजह से उसने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। वहीं ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने बताया कि वह पक्का नहीं कह सकते कि आरक्षक शराब के नशे में था, लेकिन वह गुटखा खाए हुए था। वहीं एक और एसआई प्रदीप दीक्षित ने बताया कि डॉक्टर कांसल का रवैया ठीक नहीं है, कई बार इस तरह के विवाद कर चुके हैं। और ऊपर से कर रहे हैं के लेते हैं अंदर लेते हैं। आप ही अंदर लेते रहेंगे। अब ले जा लो दरवाजे बुलाओ, आओ दरवाजे बुलाओ, आओ दीजिए ना, अगर आप उसके बारे में रिपोर्ट होता है तो फिर भी आप लोग जबरदस्ती पकड़ के ले आए हो पीड़ी अंदर, मतलब इतनी बत्ती मुझे। अरे भैया कर्मचारी बाद में पता चली
आरक्षक वाली तो इनने बताया मेरे को, फिर उसके बावजूद भी बात डाउन नहीं हो रहे थे बिल्कुल। और इतनी आगे निकाला कि मेरी तरफ साहब मेरे पास, अगर आप डॉक्टर नहीं होते साहब तो मैं इतनी किसी बात की विषय नहीं करता सर, इतनी गुस्सा है मेरे को आज आपके कर्मचारी आपके साथ ही उसकी। अरे पहले बात हो चुकी थी उसकी। कौन बात आपने अमित देगी जो भी मोबाइल ले लिया मीनिंग कर रहा जो ओहो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। हाँ आपने ये बात में आना छुट्टी होगी सबकी, मैंने कहा मुझे दिक्कत हो रही है, उसके बाद मुझे यहाँ कर दिया, मैं यहाँ आ गया। कौन डॉक्टर थे? नाम नहीं जानता। तो बदतमीजी वो बता रहे हैं आपने शुरू करी? मैं नौकरी का जाऊँगा तेरी। अच्छा। और गाली भी दे रहे थे, काटा भी मारने की। कितने स्थिति में थे डॉक्टर? अब ये तो मुझे पता नहीं। क्या नाम है आपका? फोन पर मामला इस पर क्या रहेगा, मैं जिला अस्पताल में एक कल पायजन का केस था, उस मजरूब को देखने आया था अस्पताल, तो जब मैं बाढ़ से वापस आ रहा था देखो, तो हमारे कैंट थाने का आरक्षक सोनपाल सिंह है, जिसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर रहे हैं, वो मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो इतने में डॉक्टर साहब आए रितेश कांसल जी, मैंने उनसे निवेदन किया कि कांसल जी आरक्षक है, इसको थोड़ा कुछ दवाई दे दो, उसके पेट में थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो बोले कि नहीं, कोई इलाज विलाज नहीं होगा इसका। और इतने में गेट के बाहर आ गए, बाहर आने के बाद ही उनकी सीधी गाली टाइप देने लगे उसको, तो फिर बोले कि इसमें शराब पी रखी है। मैंने कहा शराब आप तो नहीं पी रखी, उसके पेट में अधिक दर्द हो रहा है। तो उसके बाद ही उसको खींच के अंदर ले गए कि बोले मैं इसकी कार्रवाई करूँ। सोनपाल दारू पी हुए क्या? शराब पी हुए? सोनपाल मजे नहीं लग रहा है दारू। और ये डॉक्टर साहब की क्या स्थिति थी? डॉक्टर साहब कोई जरूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे और इलाज करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जबकि स्थिति उसकी बहुत ख़राब थी, आंखों में उसकी आंसू निकल रहे थे, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि अपना आरक्षक है, इसका थोड़ा इलाज कर दो, तो इसे कुछ आराम मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने आपके साथ ही बदतमीजी करी? हाँ, जब मैंने कहा कि बोले कि तुमसे जो करा जाए कर लेना, बोले मैं इलाज नहीं करूँगा। हम लोग मैं ड्यूटी से हम लोग खत्म करके आर एम रूम में बैठे हुए थे, हम डॉक्टर प्रकाश थे, डॉक्टर आर एम साहब थे, सब थे। ये आया तो वो लोग से थोड़ा टहलता हुआ यानी सड़बड़ा आता हुआ, मैंने कहा भाई गुटका धू गया, बाद में अपन ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो कल गुटका तो धू गया, पूरा गुटका भरा हुआ था इसके, है ना। तो फिर मैंने कहा बाहर थूक के आ गया, तो मैं इतने एक बजे रिलीव हो गया था, डॉक्टर उदयमान ड्यूटी पर आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चल, ये मेरे पीछे जबरदस्ती बाहर पीछे आ गया, ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा तू भैया अंदर दिखा ले, फिर कहता नहीं तुमको देखना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ड्यूटी से रिलीव हो गया, देखना पड़ेगा, डॉक्टर ये भी थे, प्रकाश भी थे, है ना। तो फिर उससे कहता है, मैंने कहा तू दे, मैं कहा मेरा तो हो गया, तू चले जा, मैं जो करना वो तू कर ले, वहाँ डॉक्टर साहब अंदर है, कहीं मेरा तो इतना बड़ा है, ऐसे बात करी इसने मेरे से। तो मैं कहा मैं नहीं डरता, तू जिससे तेरे से कहा मैं देखते फिर अपन। इतनी बात हुई रिश्ते में, वो दीक्षित साहब आए, दीक्षित साहब ने तो मेरे को बताया नहीं, दीक्षित साहब ने बाद में बताया कि उसका अपना उसका है आरक्षक है। मैं बहुत अच्छा है, दारू पी के नाटक कर रहा है, अभी भी लिटरली देखोगे आप दारू पिया उस खुशबू सुन लो। क्या परेशानी थी उसे? क्या और पेट के दर्द की? दारू पिया तो पेट एम्प्टी स्टमक दारू पी लिया तो पेट में जलन हो रही है उसको, तो मैं भर्ती हो जा, कहीं भर्ती नहीं होगा, दवाई चाहिए मेरे को। सात साल की नाबालिग बालिका के साथ रेप के प्रकरण में आज DYO एवं DSO ने मिलकर सामूहिक प्रदर्शन किया। जस्तम चौराहे पर किए गए इस प्रदर्शन में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हमें तुरंत मतलब फास्ट एक्ट
उसकी तुरंत ही सुनवाई करना चाहिए। इसी को लेकर हमारा महिला संगठन BYO DSO तीनों गिरफ्तार यहाँ पर संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो आरोपी है उसको तुरंत भी कार्रवाई हो पाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा की गई फीस वृद्धि के विरोध में आज छात्र संघ DSO ने नगर पालिका परिसर के सामने किया विरोध प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में उन्होंने अपनी मांगें दोहराई जिसमें छात्रों की फीस वृद्धि को वापस लिया जाए एवं लॉ कॉलेज की मान्यता को पुनः बहाल की जाए। लेकिन हमारी सरकारें लगातार फीस वृद्धि करती जा रही हैं और शिक्षा बजट को कम करती जा रही हैं। सोना देकर उनके ऊपर फीस का बोझ रोज लादा जा रहा है। इस तरीके से जो सरकार सारे वादे कर रही है वो झूठे। कल देर शाम महिला कांग्रेस की नेत्रियों द्वारा किया गया प्रदर्शन, यह प्रदर्शन 7 साल की नाबालिग के साथ रेप की घटना को लेकर विरोध रूप था। इस मौके पर जस्तम चौराहे पर आरोपियों का पुतला दहन भी किया गया। इसके साथ ही शासन से मांग की गई कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मंदसौर में जो 7 साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म किया गया, बलात्कार किया गया और उसके उन आरोपियों पर आज तक पुलिस प्रशासन ने, शिवराज सिंह सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिवराज सिंह सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज प्रदेश में एक भी महिला एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो आज हम लोगों ने इस शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ या शिवराज सिंह का पुतला दहन किया और मांग करते हैं कि जो बलात्कार थी लोग हैं उनको फांसी दी जाए। महिला कर्मचारियों के गंभीर आरोप, चांचौड़ा के BMO करते हैं महिला कर्मचारियों से अश्लील हरकत। महिला कर्मचारियों ने की थाने में शिकायत। बीनागंज के हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर HP शर्मा ने सामुदायिक हॉस्पिटल बीनागंज ने महिला कर्मियों से की अश्लील हरकत। कर्मियों ने सामूहिक शिकायत की, साथ ही हरिजन थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई और गुना सीमा राज्य महिला आयोग को शिकायत दर्ज कराई है। बीनागंज के BMO डॉक्टर शर्मा के स्टाफ के ही महिला कर्मचारियों ने सभी ने एक साथ मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जब पानी सर से ऊपर हो गया तब अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ऐसी भी शिकायत में उल्लेख है कि ड्यूटी पर रात्रि में महिलाओं को छेड़ता है। स्टाफ ने अपना नाम न शर्त पर बताया कि डॉक्टर कहता है कि मेरे घर पर आओ जब कोई नहीं हो। वो बुलाकर पहले ड्यूटी की बात करते हैं फिर हरकत करते हैं। कोई भी महिला कर्मचारी अपने अवकाश का आवेदन लेकर जाती है तो कहता है कि पहले घर पर आओ। जब एक साथ महिला कर्मचारी आवेदन अवकाश लेकर जाती है तो कहता है कि एक एक कर घर पर आओ, जिससे महिलाओं को मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मचारियों ने एक साथ BMO की इस हरकत को उजागर किया है। विभाग अपनी बदनामी ना हो इस कारण इस मामले को दबाने के चक्कर में लगा है। महिला कर्मचारियों ने गुना हरिजन कल्याण थाने में उनके साथ हो रहे अत्याचार की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जाँच जारी है। इन आरोपों के बारे में जब BMO से संपर्क करना चाहा तो वो नहीं हो पाया। BMO की हरकत चाचौड़ा बीनागंज क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। जी हम लोग सारे महिला कर्मचारी चाचौड़ा बीनागंज में महिला पदस्थ हैं। हमारे BMO डॉक्टर हरिवल्लभ शर्मा हमें मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से परेशान करते हैं। जब हम अवकाश लेने OPD में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप घर पे आइए। जब हम घर जाते हैं तो बोलते हैं कि बेडरूम में चलिए तब आपको छुट्टी मिलेगी। अश्लील हरकतें करते हैं और जब भी हम जाते हैं बोलेंगे मोबाइल में देखो देखो, मोबाइल में दिखा के अश्लील वीडियो दिखाते हैं और हमें छूने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं।
इस चीज़ के लिए हमने काफ़ी बार उन्हें मना किया है, उनसे निवेदन किया है कि हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, पर फिर भी वो हम पे दबाव बनाते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो जी आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? जी हमने इसकी शिकायत की है हरिजन उसमें और गुना कलेक्टर में भी दिया है आवेदन, और वहाँ पे दिया है, महिला आयोग में दिया है, और आगे भी हम इन सबकी कार्रवाई करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। इसने हमें इतना परेशान कर दिया कि हम लोग ये चाहते हैं बस इसको सबक मिले कि महिलाओं के साथ ये करना बहुत गलत है, शारीरिक रूप से परेशान करना बहुत गलत बात है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? जी हम लोग और भी आगे जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग लड़ेंगे। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि लगातार हो रहे इस तरह के हमलों से चौथा स्तंभ हिल जाएगा, साथ ही निष्पक्ष खबरें भी प्रकाशित नहीं की जाएंगी। क्योंकि जब भी कोई पत्रकार किसी अधिकारी के बारे में भ्रष्टाचार को लेकर कोई खबर छापता है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि खबर को न चलाया जाए। आप नीति आयोग का वो नोट कर लीजिए, URL जो तीन डॉक्यूमेंट में जो माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आमतौर पर जो अभी सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से, विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से पिछले 2 साल में 43 पत्रकारों पर मध्य प्रदेश में हमले की घटना हुई है। हाल ही में हमारे उज्जैन के साथी थे जय कौशल, उन पे भ्रष्टाचार की खबर को छापने को लेकर उन पे कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई और इतनी बेहद दर्दनाक तरीके से उनके साथ मारपीट की गई कि वे अब चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। दूसरा मुद्दा, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे आदरणीय श्री निर्मल साहू साहब, वो पैरालिसिस के शिकायत हैं और लंबे समय से बेड रेस्ट कर रहे हैं। उनकी आर्थिक सहायता जो तत्कालीन कलेक्टर राजेश जैन थे उनके समय तक उन्हें मिलती रही, दवाइयों की उनकी व्यवस्था होती रही, लेकिन अभी कुछ समय से उनकी दवाइयां बंद हो गई हैं। ऐसे में उन पर आर्थिक भार बढ़ गया था और इस संबंध में भी हमने कलेक्टर से मुलाकात की थी और कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द निर्मल साहू साहब को दवाइयों की। धरना आपदा में हुआ अच्छी वर्षा, ग्राम व क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि के लिए किए गए हवन शांति यज्ञ। गांव के बुजुर्गों ने गांव की भावी पीढ़ी को परंपरा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गांव से धन संग्रह किया जाता है, इसके बाद गांव में ही बूढ़े बालाजी आश्रम पर हवन किया जाता है, इसके बाद खेत की मेड़े एवं आसपास के सभी देवी देवताओं पर प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और सुख शांति की कामना की जाती है। गाँव के पटेल कल्लूदास बैरागी एवं राजपुरोहित खेड़पति पुष्पेंद्र भार्गव ने बताया कि पहले परंपरा थी कि गांव के राजा रानी द्वारा खेत में हल चलाकर वर्षा एवं सुख समृद्धि की कामना की जाती थी। वहीं गांव में ग्रामीण महिलाओं द्वारा गीत गाकर ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। दो राज्य दो तहसील, 28 गांवों का टूटा संपर्क।
धरनामदार उठियाई समेत बमोरी मार्ग से भी संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश से राजस्थान को बमोरी, राधोगढ़, धरनावदा, चांदखेड़ी, खिरिया, गोंदलपुर, खेड़ा गुरुजी, लक्ष्मणपुरा, आमखेड़ा, गोलाखेड़ी आदि गांवों को जोड़ने वाली सड़क से रायगुरु का संपर्क टूट गया है। सड़क पर आए दिन थोड़े पानी में ही रोड की में जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर वाहन रोड के नीचे उतरा तो समझो जाम लगने वाला है। इस स्थिति में बच्चों व शिक्षकों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर 11,000 केवी की लाइन झूल रही है। ग्रामीणों ने कई बार विद्युत मंडल को अवगत कराया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर सुपरवाइजर अरविंद राणा ने बताया कि जो कंपनी सड़क का काम कर रही है उसने 18 लाख का टेंडर डाला है। शायद ये टेंडर पास भी हो गया है, जल्दी ये कार्य प्रारंभ होगा। पकड़ जाए बिल्कुल भाई पुड़िया बना ले जा पुड़िया पापा दे दो यार मैंने पकड़ लिया। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। आरोन में राधोगढ़ के क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह के द्वारा स्वच्छता निधि से विभिन्न वार्डों के अनेक गरीब लोगों को सहायता के लिए चेक के माध्यम से सहयोग राशि वितरित की गई। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय आरोन पर कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं के बीच चेक वितरित किए गए। चेक प्राप्त करने वाले निम्न लोग उपस्थित रहे: देवेंद्र सिंह, नेत्राम, शिवानी, रामरतन, रूपमती, बाबूलाल, विनोद, लाला राम आदि कई लोग मौजूद थे एवं चेक प्राप्त करने वाले लोगों ने बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। चेक वितरण करने वालों में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिंटू लाल जैन, विधायक प्रतिनिधि खुर्रम खान, शकील खान, युवा ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह अहिरवार एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। लुधियाना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।